इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं रामकिरण शर्मा ओपैम के नए न्यूमेरिकल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर ओपैम मल्टी स्टेज में कनेक्टेड है, मतलब एक से ज्यादा ओपैम आपको एक सर्किट में दिखाई देंगे। जैसे आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो पहली सर्किट पर आपने V1 वोल्टेज अप्लाई किया है ना, और फाइनल सर्किट का जो आउटपुट होगा वो V0 है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कैलकुलेट V0 इफ V1 इज इक्वल टू 25 mV। यहाँ पर जो V1 है वो 25 mV दिया हुआ है और फाइनल आउटपुट पूछा जा रहा है। तो जब भी हमें ये करना है, हमको ये समझना चाहिए, देखो क्या करना है कि हमारा जो ये सर्किट है इसमें ध्यान से देखें तो पहला ओपैम का कुछ आउटपुट आएगा इस आउट इनपुट की वजह से, है ना। तो मान लो आउटपुट हमारा V01 है, ये दूसरे ओपैम के लिए इनपुट का काम करेगा, है कि नहीं। अब यही वोल्टेज इसको दिया जा रहा है, फिर इससे कुछ सॉल्व होकर आएगा, इसको मान लो आउटपुट V02 आया, ये सेकेंड स्टेज का आउटपुट है और ये तीसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा। मतलब क्या है, मतलब आप इस पूरी सर्किट को तीन स्टेज में डिवाइड कर लीजिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जितने भी ओपैम्प हैं सर्किट में उन सबको एक स्टेज मान लीजिए, उसको आप कहेंगे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके अच्छा, तो हमने क्या किया, पूरी सर्किट को तीन स्टेज में डिवाइड कर लिया, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इसमें इनपुट पहले स्टेज में दे रहे हैं और फाइनल आउटपुट आप फाइनल स्टेज से निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए पहले स्टेज, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले स्टेज को ही सॉल्व करेंगे ना। तो पहले स्टेज पर आपने जो इनपुट अप्लाई किया है वो 25 mV है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मान लीजिए पॉइंट बी है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पॉइंट ए है, ये वोल्टेज हमारा VB हो गया और ये वोल्टेज हमारा VA हो गया। तो VB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एट पॉइंट बी VB इज 25 mV। तो जब VB की वैल्यू 25 mV है तो वर्चुअली ये VA पर भी वही अपियर होगा, तो VA की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 25 mV हो जाएगी कि नहीं, आप बताओ, 25 mV, है ना। तो VA भी हमारा कैलकुलेट हो गया, तो हम यहाँ पर अब KCL अप्लाई करेंगे। यहाँ का करंट मान लो I है और यहाँ का करंट क्या है, IF, फीडबैक पाथ में करंट IF। तो KCL पॉइंट ए पर KCL अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू IF। तो I को कैसे लिख सकते हैं, पहला वोल्टेज माइनस दूसरा वोल्टेज, पहला वोल्टेज 0 है और ग्राउंड है ना, ग्राउंड से कनेक्टेड है तो 0, और दूसरा वोल्टेज क्या है VA, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 किलो, 5 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू IF क्या है, IF हमारा होगा VA माइनस V01 डिवाइडेड बाई 10, VA माइनस V01 डिवाइडेड बाई 10। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस 2 VA, और ये वाला VA भी अगर इधर ले आएंगे तो माइनस VA इक्वल टू माइनस V01, या V01 की वैल्यू 3 VA, और VA की वैल्यू कितनी है 25 mV। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 75 mV, ये हमारी V01 की वैल्यू आ गई। पहले स्टेज का आउटपुट हमको मिल गया कि नहीं, अब बताओ। अब जो पहला स्टेज का आउटपुट है वो दूसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा 75 mV, क्लियर है कि नहीं। ये जो 75 mV है इसको आप इनपुट दे रहे हो और कैलकुलेशन जस्ट वैसे ही करना जैसे पहले कर रहे थे। तो ये हमारा जो पॉइंट है बी है, यहाँ का पॉइंट ए है, VB की वैल्यू 0 है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो VA की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, तो VB इज इक्वल टू 0, इसलिए VA की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा अब यहाँ पर KCL अप्लाई करें, यहाँ का करंट मान लो I है और फीडबैक पाथ का करंट मान लो IF है, तो I की वैल्यू IF के बराबर होगी। किस पॉइंट पर ले रहे हैं, पॉइंट A पर ले रहे हैं, है ना, इस पॉइंट A पर I की वैल्यू IF, I हमारा कितना होगा, पहला वोल्टेज V01 माइनस दूसरा वोल्टेज VA डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5K इक्वल टू, यहाँ पर क्या है IF कैसे निकलेगा, पहला वोल्टेज VA माइनस दूसरा वोल्टेज V02, है ना। मान लिया कि ये वोल्टेज क्या है V02 है, डिवाइडेड बाई फीडबैक पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अच्छा VA की वैल्यू कितनी है, VA इज इक्वल टू 0 है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस V01, और V01 हमारा 75 mV है, तो V02 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 75 mV, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, तो अब हमें सेकेंड स्टेज का आउटपुट मिल गया और ये तीसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा। तो अब हमने क्या अप्लाई किया है, माइनस 75 mV एक्चुअली में जो हमारा जनरेट हुआ था सेकेंड स्टेज से,
और अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और फाइनल वी नॉट हमको यहाँ पर निकालना है। तो थर्ड स्टेज में भी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ का वोल्टेज वी बी है, यहाँ का वोल्टेज वी ए है, तो वी बी ग्राउंड से कनेक्टेड है इसलिए जीरो, तो वी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल कनेक्शन से जीरो हो जाएगा, वी बी का वोल्टेज वी ए पर अपीयर हुआ। अब हमने केसीएल अप्लाई किया तो यहाँ करंट आई और फीडबैक पाथ में करंट क्या है आई एफ, तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई एफ के बराबर होगी पॉइंट ए पर, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है वी नॉट टू माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना है वी ए, वी ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइव इक्वल टू फीडबैक पाथ के लिए पहला वोल्टेज क्या है वी ए और दूसरा वोल्टेज क्या है वी नॉट और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है फीडबैक पाथ में वो है 100। इसको 5 से आप कैंसिल करिए तो ये हमारा आ जाएगा 20, है ना। और VA की वैल्यू 0 है तो आप ये जो VA की वैल्यूज है उसको 0 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इस 20 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई करिए तो 20 V नॉट 2 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस V नॉट, या V नॉट की वैल्यू माइनस 20 इंटू V नॉट 2। अच्छा आप देखो माइनस 20 इंटू V नॉट 2 की वैल्यू माइनस 75 मिली वोल्ट, है ना, माइनस 75 मिली वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 75 टू जो 1500 ये हमारा मिली वोल्ट आया, क्योंकि ये चार अंकों में आपको दिखाई दे रहा है तो मिली वोल्ट को वोल्ट में लिख लीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट, दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। तो हमें जो हमें सर्किट दिया गया था उसका फाइनल जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा 1.5 वोल्ट होगा और यही आपके इस सर्किट के लिए आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरह से अगर मल्टी स्टेज में आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं तो न्यूमेरिकल को भी आसानी से किया जा सकता है, है ना। चलिए फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है, अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बात रखनी है अपनी, तो आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बार बार इसको लाइक करिए, इसको बार बार देखिए, है ना, ताकि आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आए, है ना, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अगले वीडियो के साथ जल्दी ही फिर मिलते हैं, आप सभी को नमस्कार।